स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में अभी तक हमने नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ा, मैन मेड थिंग्स के बारे में पढ़ा, और हम लोग पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स कि लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी खास बात होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, स्पेशल बातें होती हैं, है ना। तो उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती हैं, है ना, कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती हैं। सब में जो ह्यूमन बीइंग है वो नोज से ब्रीथ करते हैं, और जो फिश है वो गिल्स से ब्रीथ करती है, लीव्स स्टोमेटा से ब्रीथ करती हैं, और इंसेक्ट्स एयर होल से ब्रीथ करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स ईट फूड टू गेट एनर्जी, कि लिविंग थिंग्स को एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है। अब हम थर्ड फीचर पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स मूव, कि लिविंग थिंग्स मूव माने हिलती डुलती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स शो एक्सटर्नल एंड इंटरनल मूवमेंट्स, सभी चीज़ों में एक्सटर्नल और इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट माने हिलना डुलना। ठीक, तो हर चीज़ में जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें अंदर और बाहर मूवमेंट्स होती हैं। एक्सटर्नल मूवमेंट्स मीन्स गोइंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। जो एक्सटर्नल मूवमेंट होती है वो क्या होती है, गोइंग हेयर एंड देयर, इधर उधर जाना, इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, और दुश्मनों से बचने के लिए जो एनिमल्स इधर उधर जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, वो होता है एक्सटर्नल मूवमेंट। ऑल एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स फॉर मूवमेंट, हर एनिमल के स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको वो मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनल मूवमेंट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और इंटरनल मूवमेंट कैसे होती है, जो फूड खाते हैं उसका जो बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है वो हुआ इंटरनल मूवमेंट्स। ट्रांसपोर्टेशन मतलब फूड का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, वाटर का और ब्लड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचना। तो ये सब हमारा जो फूड है, वाटर है, ब्लड है, ये सब हमारे बॉडी के अंदर अंदर एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है, घूमता रहता है। तो ये सब हुए इंटरनल मूवमेंट्स। और जो लोग और एनिमल्स और खाने, पानी और बाकी चीज़ों के लिए इधर से उधर घूमते हैं वो होता है एक्सटर्नल मूवमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अ लायन ईट्स अदर एनिमल्स, देन हाउ इज़ इट डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और फूड। एक क्वेश्चन पूछा है कि लायन तो अदर एनिमल्स को खाता है तो वो किस तरह से प्लांट्स के लिए डिपेंड होता है, प्लांट्स पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, क्यों होता है। कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो प्लांट होता है उसको एक ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, तो ऐसे ही जो लायन होता है वो छोटे एनिमल्स को खाता है, और छोटे एनिमल्स जो हैं वो लीव्स और प्लांट्स, ग्रास, इस तरह की चीज़ों को खाते हैं। जैसे अगर लायन एक रैबिट को खाता है तो रैबिट क्या खाता है, लीव्स खाता है, कैरेट खाता है, ग्रास खाता है ना। तो अगर ग्रास, लीव्स, कैरेट्स नहीं होंगे तो रैबिट जिंदा नहीं रहेगा, और रैबिट नहीं खाने को नहीं मिलेगा तो लायन जिंदा नहीं रहेगा। इस तरह से जो लायन है वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। देन देयर आर सम प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ एनिमल्स तो एनिमल्स को खाते ही हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट माने कीड़े मकोड़े। तो देर आर सम प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स, जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। उनके एग्जाम्पल हैं पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप एक्सेट्रा। पिचर प्लांट, देखो ये आपको प्लांट यहाँ दिख रहा है ना, इसमें ये प्लांट है और ये उसका ढक्कन है, दिख रहा है, ये प्लांट है बर्तन की तरह, एक जैसे ग्लास होता है और उसके ऊपर एक ये कैप है, ढक्कन है। जब इंसेक्ट इसके अंदर बैठ जाता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो प्लांट जो है वो उस इंसेक्ट को खा लेता है। ठीक है,